सभी को जय जिनेंद्र। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु के बारे में कि आखिर ये क्या है, कौन है, इनका क्या स्वरूप है। अच्छा, आज का वीडियो बहुत सारे मेरे पिछले वीडियो से लिंक है, क्योंकि जैसे जैसा कि मैं बताऊंगी ज्ञानावरण आदि ये सब मैंने पहले बता दिया है, तो जब जो जो वीडियो आएगा वो मैं आपको रेफरेंस देती जाऊंगी। सबसे पहले हम बात करते हैं सच्चे देव की। तो सच्चे देव कौन होते हैं? जो ज्ञानावरण आदि 8 कर्मों से रहित होते हैं और 18 दोष से रहित होते हैं। अब ज्ञानावरण आदि 8 कर्म का वीडियो मैंने आपको पहले बताया है, 18 दोष का भी बताया है, तो वो आप देख लीजिएगा। उसके बाद जो वीतराग सर्वज्ञ और हितोपदेशी होते हैं, अब भाई वीतराग जिनका राग बीत गया है जैसा मैंने बताया है ना, और फिर सर्वज्ञ जो जिनकी केवल ज्ञान उत्पन्न हो गया है, जिन्होंने तीनों लोक का मतलब वो सब कुछ जानते हैं, विच इज सर्वज्ञ, और हितोपदेशी जो सबको जानते हुए भी इतना उनके अंदर ज्ञान है उसके बावजूद वो प्राणी मात्र के हित के लिए हित मित प्रिय वचन का उपदेश देते हैं, उसको बोलते हैं हितोपदेशी। तो ऐसे जो देव हैं हमें उन्हीं की पूजा अर्चना करनी चाहिए, विच इज सच्चे देव। फिर आते हैं सच्चे शास्त्र। तो जो वीतरागी श्रमणों द्वारा रचित मोक्ष मार्ग का कथन कराने वाले शास्त्र हैं, अर्थात जो खुद जिन्होंने उस मार्ग को अंगीकार किया है अपने जीवन में, वो खुद उस मार्ग पे चले हैं, ऐसे जो वीतरागी पुरुष थे उनके द्वारा जो शास्त्र लिखे गए हैं, जिसमें कैसा क्या लिखा गया है, सब ना कि हर कुछ लिख दिया गया है, सब कहते हैं उसमें प्राणी मात्र का हित कराने वाले कथन लिखे गए हैं, वो कौन है? सच्चे शास्त्र है। उसके बाद आता है सच्चे, मैंने यहाँ पे सच्चे गुरु लिखना था, आप समझ लीजिएगा। फिर आता है सच्चे गुरु। तो सच्चे गुरु कौन है? जो विषयों की आशा से रहित होते हैं, मतलब आपने देखा है कोई महाराज जी वगैरह को भाई बहुत कुछ उनको उनको ये चाहिए, उनको वो चाहिए, तब कहते हैं कौन होते हैं सच्चे गुरु? जो विषयों की आशा से रहित होते हैं, निरारंभी निष्परिग्रही, उनके पास किसी भी प्रकार का आरंभ और परिग्रह नहीं होता है, तभी तो वो अपने महाव्रतों का पालन करते हैं, और जो ज्ञान ध्यान तप में लीन रहते हैं। आपने देखा कभी किसी महाराज जी को कि चलो चलो आओ आज यहीं ऐसे घूमने चल देते हैं? नहीं, वो बिना बात इधर उधर ना जाते हैं, ना किसी से बात करते हैं, जितना काम है उतना ही बोलते हैं, तो हमेशा अपने ध्यान में ज्ञान में और तप में लीन रहते हैं, हमेशा अपने आत्मा के कल्याण के लिए अग्रसर होते हैं, वो होते हैं सच्चे गुरु। तो सच्चे गुरु के और क्या क्वालिटीज हैं, उनके वो कैसे जीवन के 28 मूल गुण क्या है, वो किस तरीके से उनका जीवन शैली होती है, इसके भी मैंने पिछले बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, तो ये भी आप पीछे जाके देख सकते हैं, थोड़ी मेहनत तो आपको भी करनी होगी, है ना। तो आज हमने जाना सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु के बारे में। अब आप जब मंदिर में पूजन करेंगे सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु की, तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में ये कैसे होनी चाहिए, ताकि हम जब भी किसी और के आगे सर झुकाएं या किसी और को नमस्कार करें तो हमें ये चीज याद रहे कि हमने पढ़ा है कि हमें हमेशा सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु की ही पूजा, वंदना, आराधना, भक्ति करनी चाहिए। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक देखते रहिए जैन पाठशाला भाई शिवानी। सभी को जय जय।